हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज जो काम करा है, ये काम वैसे 2 दिन का था, तो अभी जो काम हुआ है वो आप देखो। पहले आपको गाड़ी दिखाता हूं। कर्नाटका से आए हैं स्पेशली 1800 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, और इन्होंने जो है बेसिक काम था इंटीरियर का, बट काम 2 दिन का था, बट इनकी डिमांड पर 1 दिन में ये काम कम्प्लीट हुआ है। काम आप लोग भी देखोगे तो बोलोगे कि भाई था 2 दिन का काम। सुबह 9 बजे से अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी जाके काम कंप्लीट हुआ है। काम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पसंद आएगा मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। सो भैया आए थे हमारे पास भी। एक बार नाम बताओ। सोहेल। एक बार आप भी बताओ। सलीम। कर्नाटका से? कर्नाटका से। पूरा बताना है एक बार। बीजापुर। बीजापुर। बीजापुर की बीजापुर। बीजापुर से आए हैं भैया, और यहाँ से नियरली अबाउट 1800 किलोमीटर फार अवे। और कैसा काम हुआ है एक बार पहले आप काम बता दो, फिर काम दिखाएंगे। एकदम परफेक्ट हुआ है। एकदम परफेक्ट हुआ है, जो भैया की डिमांड थी छोटी से छोटी, और सब पूरा हुआ है। सबसे पहले बाहर दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर हमने कुछ करा नहीं है। ऑलरेडी इसमें HID इंस्टॉल्ड है, पार्किंग बल्ब मैंने इंस्टॉल करा है। फॉग लैम्प के लिए बोला था बट भैया का बजट नहीं था, तो वो चीज़ नहीं करी है, क्योंकि भैया ड्राइव बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बार बताना भैया कितनी ड्राइव करते हो गाड़ी? अभी तो हुआ है 7 दिन में 7 स्टेट घूम कर आए हैं। और उससे वैसे भी आप बता रहे थे नियर अबाउट 4000 किलोमीटर घूम के आए हैं। 6 महीने में 22000 किलोमीटर गाड़ी चला दी भी है ना, है ना? तो आइडिया लगा लो भाई, ये 6 महीने पुरानी गाड़ी है। और फेंडर पे इंडिकेटर भी है, तो बेस मॉडल है आप लोगों के सामने। अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, पूरी डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। तो अंदर की तरफ ले आया हूँ आप लोगों को। अभी ऐसा समझ में आएगा नहीं कि भाई गाड़ी में एक्चुअली हुआ क्या है, बट जो काम हुआ ना वो इतना हेक्टिक काम था 2 दिन का, बट मेरे को पता है मैंने 1 दिन में कैसे कंप्लीट करा इस काम को। सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है भाई अपने स्टीयरिंग कंट्रोल से, जहाँ पे अपना स्टीयरिंग कंट्रोल पूरा ओपन हुआ था। ये हमारा ऑल ग्लोसी है यहाँ पे, तो ये जो है हमने खोल के ग्लोसी कराया। ये अपना उसका है, ये डोर का है, ये अपना क्रूज़ कंट्रोल उसका है। स्टीयरिंग कंट्रोल का सिल्वर वाला पार्ट निकल जाता है, अभी इसको फिक्स करा है। और अब इसके अंदर हम अपने बटन लगाएंगे, दोबारा से टाइट करेंगे। एज इट इज़ गाड़ी के अंदर स्टॉक 0-0 फिटमेंट के अंदर जाएगा। जो आपने शॉट देखा इन बिटवीन, यहाँ पर पूरा इसको ग्लॉस ब्लैक का फ्रेम रेडी करवाया है। अगेन इंस्टॉलेशन हुई है। अपना जिगजैग के अंदर जो है अपना OEM वाला स्टीयरिंग व्हील रेडी हुआ है आप लोगों के सामने, डुअल कलर के अंदर। टैन कलर भैया ने सेलेक्ट करा था, वो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है। लेदर का काम 1 दिन में हो सकता है, सारा काम हो सकता है, बट मेन जब पंगा आता है ना वो आता है भाई अपना हाइड्रो को लेके। तो यहाँ पे जो ग्लॉस करना था इसको, भाई ये चैलेंज था कि इसको 1 दिन में करना है। फिनिशिंग आप लोगों के सामने, इस पर थंब प्रिंट्स लगे हुए हैं, बट जो क्वालिटी है ना, आप कहीं पे आपको कोई बबल, कोई दाना या फिर कुछ भी कह लो, वो चीज़ नहीं दिखेगी। ये बूथ के अंदर सारा काम होता है। इसको कपड़े से आप साफ़ करोगे, अगेन ग्लॉस करेगा। इधर भी आप देख पाओगे, आपको कहीं पर कोई बबल या फिर दाना नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा रेडी हुआ है। डोर के अंदर 2 पीस हुए हैं, 2x4 कर लो। 8 पीस इसके थे, 1 पीस इसका था और 1 पीस इसका था। तो ये जो है ये पूरा रेडी हुआ है। अपना कंसोल बीच का खुल के फिर अगेन इंस्टॉलेशन हुई है इसकी। और ये चीज़ पहले से आती है इसके अंदर। ये वाला डिपेंड हुआ, मेन जो है डिपेंड में काफ़ी दिक्कतें हुई, और साथ में अपना ये वाला पूरा खोलना पड़ा, तो उसमें भी जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ। ऊपर से करना, लगाना, सूखने का टाइम देना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हेक्टिक होती गई धीरे धीरे। बट एट द एंड 10:30 बजे मैंने भैया को प्रॉमिस किया था 9 बजे के लिए कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने भैया को रिकमेंड किया था कि साइड की वॉल ब्लैक करके, ब्लैक विद टैन इंटीरियर बनाते हैं, बिकॉज ब्लैक एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा गाड़ी के अंदर। बट भैया ने कहा सिंगल कलर चाहिए, तो सेल्टोस के ही डिज़ाइन में अपना सिंगल कलर के अंदर सीट कवर रेडी हुए हैं, सॉफ्ट साका के अंदर। तो साका मेरा वन ऑफ द बेस्ट मेरे को जो चीज़ लगती है ना, मतलब मैं अपनी गाड़ी में ब्रीज़ा की वीडियो देखोगे ना, उसमें भी हमने यही लगा रखा है। मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, मैंने अपने में अमेरिकन लगाया था, बट भैया को साका जो है पसंद में आया। और जो क्वालिटी है वो आप लोगों के सामने है, इंस्टॉलेशन भी आप लोगों के सामने देख पाओगे किस तरीके की है। सीट कवर की लुक्स देखनी हो आप लोगों को तो आप देख पाओगे कैसे लगते हैं। सिंगल कलर है बट डुअल कलर का ऑप्शन था। 3 पिलर रेडी हुए हैं। यहाँ पे इस तरफ भी आते हैं तो सेम आपको यहाँ पे जो है ग्लॉस मिलेगा। इसमें सिंगल बटन का ग्लॉस है हमारा, ठीक है। और इधर जो है अगेन अपना डुअल स्टिच के अंदर लेदर वाला पैड रेडी हुआ है, जिसकी फिटिंग आप देख पाओगे और किस तरीके की पूरी फिटिंग है वो आप लोगों के सामने है। डैशबोर्ड की तरफ आते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि डुअल स्टिच आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते थे अगर इसको ब्लैक के साथ रेडी करते। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं साइड वॉल को ब्लैक करना चाह रहा था, तो मैं ऊपर वाली स्टिचिंग इसके साथ करते और साइड वाली यहाँ की ब्लैक के साथ करते और इसको ब्लैक के साथ करते, तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है इसके साथ। बट जो है ये भैया की पसंद थी तो इस तरीके से हुआ है। फिटिंग जो है इस तरीके से पूरी की पूरी आती है। अगेन एक चीज़ बताना चाहूँगा, उधर वाला जो अपना छोटा सा पीस है जो आप देख पा रहे हो जिसके ऊपर लेदर चढ़ा हुआ है, तो ये वाला पीस मैं रिकमेंड नहीं करता लगाने के लिए, बिकॉज उसमें 2 ही लोग होते हैं और फिटिंग काफ़ी मुश्किल होती है और हल्का सा इतना सा माइनर सा 2 mm का गैप रहता है उसके अंदर। बट भैया ने बोला कि मेरे को चाहिए। इधर आओ एक बार, आप ही बताओ। तो पहले नहीं लगा रहे थे हम वो? हाँ, पहले नहीं लगा रहे। अभी सही फिटिंग आ गई उसकी, लेकिन फिटिंग परफेक्ट आ गई है। बट वो कोशिश वाली बात है क्योंकि हमेशा उसकी फिटिंग परफेक्ट हो नहीं पाती। तो बट अभी आपकी गाड़ी में हो गई किस्मत से, मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ। बढ़िया, मजा आ गया ना। और लास्ट चीज जो है हमारी यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फ्रेम के साथ, क्योंकि ग्लॉस ब्लैक है अपना सारा एलिमेंट यहाँ पे, तो इसको भी ग्लॉस ब्लैक के साथ हाइपरसोनिक इंस्टॉल करा है 232। विद डीएसपी वाला स्टीरियो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। तो इसमें प्ले स्टोर भी आ जाता है। कार सेटिंग में अगर आप देखोगे सिस्टम इन्फो में जाएंगे तो यहाँ देख पाओगे 2 GB 32 GB वाला यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और डीएसपी देख पाओगे ADI 1701। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है। फ्रेम भी देख पाओगे किस तरीके से लगा हुआ है पूरा का पूरा। और आई गेस काफ़ी अच्छे तरीके से सारी इंस्टॉलेशन हो गई है, सारी चीज़ें फिट एंड फाइन वर्क कर रही है। यहाँ पे स्टीयरिंग भी अपना स्टीरियो के साथ सही से काम कर रहा है। तो चेकिंग वैकिंग हो गई है, सारी चीज़ें चेक करी है। पावर विंडोज़ परफेक्टली काम कर रही है, लॉक अनलॉक काम कर रहा है। डोर खुलने के बाद ये चीज़ें चेक करनी पड़ती है और मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें चेक करके चीज़ हैंड ओवर करी है। और जो अपना ब्लैक वाला पार्ट है ये भी देख पाओगे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली डन है पूरा का पूरा। इसके अंदर जो है आप देख पाओगे कि ये भी पेंट होता है, तो हल्का सा बेज का आपको इसके अंदर एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ भी मैंने डिमांड पे ब्लैक करवाई है क्योंकि इसके अंदर जो मिरर होता है वो उसके बाद ढक जाता है। बट अगर आप क्वालिटी वाइज बात करोगे तो जो रूफ़ वाला था वो यहाँ हुआ है, इसके ये वाले पार्ट ब्लैक हुए हैं, इसके ये वाले पार्ट ब्लैक हुए हैं। और फिट वाइज देखोगे तो फिटमेंट आपके सामने इस तरीके की आती है। इसमें अपना वो टिकट होल्डर होता है, हाइड हो जाता है इसके पीछे बिकॉज ये सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते, तो वो जो है हाइड हो गया। बट भैया उसके लिए रेडी थे, तो आपने बोला तभी करा है। तो शीशे से कोई प्रॉब्लम नहीं, वैनिटी मिरर चला गया यहाँ से। अभी 3-4 शीशे है ना, बहुत अभी चल जाएगा। लेकिन जो है काम ओवरऑल जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बहुत अच्छा लगा। बाकी भी आप रात भर ड्राइव, अभी रात भर निकलेंगे फिर बीजापुर, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर कोई ये वीडियो देख के आना चाहता है तो रिकमेंडेड है। तो ऐसे आपको अजीब नहीं लगा कि मेरे पास शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है? थोड़ा स्टार्टिंग में अजीब लगा, फिर अभी देखने के बाद लगा ये वर्थ है, वर्थ है। और यही काम अगर वैसे आप अगर किसी शॉपकीपर से करवाते हैं तो अंदाजन आपको क्या रेट मिलता है इसका? 70,000 के आसपास। ऑलमोस्ट हाफ ही लगे आपके, है ना? 70 का बिल्कुल हाफ कर दो। तो वो भैया के यहाँ पे लगे नॉट इंक्लूडिंग स्टीरियो एंड कैमरा। तो जो आपने काम देखा ही है, इंक्लूड करें तो होता है। तो 70,000 चला जाता है, हाँ, इंक्लूडिंग 50 तक तो गया। बट स्टीरियो जो है भैया को मैंने डायरेक्टली हाइपरसोनिक क्लब से ही दिलवाया, तो सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पे लिए गए हैं भैया से। मेन जो है अपने इंटीरियर रेडी करा है और स्टीरियो जो है ये भैया को मिला है। भैया स्टीरियो कितने का लेके आए थे आप? 18,000 कैमरे के साथ, कैमरे के साथ और इसके साथ, इसके फ्रेम के साथ। ये 18,000 का भैया लेके आए 232 DSP। तो सही था बाकी ओवरऑल। और बाकी ये जो है ये सारा काम हमने रेडी करा है। फिटमेंट स्टीरियो की मैंने कराई है, लेके भैया आए थे। बाकी अगर ऑर्डर करोगे तो मिल जाएगा ये स्टीरियो भी आपको ऑन डिमांड। पीछे का भी एक बार दिखा देता हूँ, ये अगर आप देख पाओगे तो इसको भी जो है ब्लैक एलिमेंट दिया गया है। कहीं पे आपको पेंट एक्स्ट्रा लगा हुआ नहीं दिखेगा। अंदर से आप लाइट भी देख पाओगे, ये LED लाइट है। और पेंट देखोगे तो भाई बिल्कुल एक्यूरेटली जो बॉर्डर पे होता है पूरी मास्किंग होने के बाद एंड एवरीथिंग, उसके बाद ये जो है बाउंड्री इसकी पेंट करी गई है। रूफ देखोगे तो A1 क्वालिटी के अंदर रूफ रेडी हुई है। और मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ भाई, आज काम करने के बाद मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कहीं से कोई चीज़ होने नहीं दी। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक गाड़ी के साथ था मैं, था ना भैया? तो अभी तक है गाड़ी के साथ ही था। अमन भाई आपकी इस गाड़ी के पीछे सुबह से लेके बंदा परेशान है। सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ है, लंच स्किप किया है इन्होंने हमारे लिए। अभी डिनर साथ में करने वाले हैं, अमन भाई की पार्टी है। सब कुछ हो गया यहाँ पे, सब कुछ हो गया, लेकिन पार्टी एक बाकी है, आप दे देना। अभी नेक्स्ट टाइम आप आओगे नोवा लेके, उस टाइम करते हैं। बाकी भैया की नंबर प्लेट बहुत सही लगी थी, मैं नंबर प्लेट दिखाऊंगा एक बारी आपको। शीशे इन्होंने कलाले कर रखे हैं, दिल्ली में तो चलाना है। आपके वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है शीशों पे? चल जाता है, ऐसा तो दिक्कत तो है लेकिन चल जाता है। टोटल डार्क नहीं है वो, ठीक है। और ये HID कौन सी लगा रखी है आप लोगों ने? HID 65 वॉट का है, कंपनी का नाम पता है। अच्छा, 65 वॉट का है। और इधर देखोगे नंबर प्लेट, जेल नंबर प्लेट लगा रखी है भैया ने। और ये इंडिया लिखा हुआ है, ये भैया का नंबर है, के से आए हैं। और ये जो नंबर है अगर भाई दिल्ली में लगा के घूम रहे हो तो हटा देना है नंबर। ये पेस्टिंग हो रखी है ना, पेस्टिंग हो रखी है अच्छे तरीके से। काफ़ी सही लगा भैया से मिलके। और एक बारी भैया ऐसे कर दो, आप भी करो ना, आप भी आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई है मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगर आप गाड़ी में काम करवाना चाहते हैं तो मैं ऑफलाइन कोई काम करता नहीं हूँ, बहुत रेयरली कभी किसी गाड़ी में करता हूँ तो करता हूँ। तो आप प्लीज़ ऑर्डर करके करवाओगे या फिर बता के आओगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ काफ़ी सारी रिटेल शॉप है जो आपको ये सारी सर्विसेज ऑफर करेगी और सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट इसमें से ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो www.carmuters.com पे ऑर्डर कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और नंबर मेरा आपके सामने है। गाड़ी का आप लोगों ने पूरा इंटीरियर देख लिया किस तरीके से रेडी हुआ था। मैं थोड़े से सैंपल आपको दिखा देता हूँ जो फिलहाल में मिल जाएंगे। ये है एक अपना जिसके अंदर आपको स्ट्रेट सारे स्टिचिंग मिलेगी। ये फिलहाल सोनेट का है, सेम डिजाइन सेल्टोस में आ जाएगा, क्रेटा में आ जाएगा। डिज़ाइन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोई डिज़ाइन पसंद है, OEM डिज़ाइन चाहिए या किसी फ्रेंड की कार में कोई डिज़ाइन लगा है या आपके पास कोई कार है उसमें कोई डिज़ाइन लगा है, डिज़ाइन सारे अवेलेबल हो जाते हैं। ये बस सैंपल के लिए, रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए कि कैसी क्वालिटी होती है, क्या स्टिचिंग आती है और क्या सारी चीज़ें रहती है। तो ये आप देख पाओगे इसमें कम ये वाला पोर्शन बना हुआ है, इसके अंदर जो ब्रैकेट है इसका। अगला जो है ये वाला अपना आ जाता है क्रेटा का। सेम डिज़ाइन आपको सेल्टोस, सोनेट, क्रेटा या कोई सी भी अदर कार जो भी आप लेना चाहते हो या जो भी आप लोगों के पास है उसके लिए ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसमें बेज विद ब्लैक है। कलर भी आप कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हो, कलर का भी कोई इशू नहीं है, जो कलर आप बोलोगे वो हो जाएगा। इसके बाद ये सोनेट अगेन हमारे पास आ जाता है, सेम डिज़ाइन सेल्टोस में भी मिल जाएगा। इसमें थोड़े से ये ब्रॉड कर दिए गए हैं इसकी लाइनिंग, ताकि जो OEM डिज़ाइन थोड़ा सा आता है वो आ जाए। प्लस ये ब्लैक पे सिल्वर स्टिचिंग है, ब्लैक विद रेड करोगे तो जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है वो वाला आपका रेडी हो जाएगा। कलर भी इसमें कोई भी आप ले सकते हो। अगेन इसके अंदर एक ये टैन ब्लैक के अंदर भी रेडी कर रखा है, इसके अंदर भी आपकी टैन कलर की स्टिचिंग है और टैन ब्लैक के अंदर कलर रेडी है। ये सेम डिज़ाइन आप अगेन किसी भी कार के अंदर बनवा सकते हो। फिलहाल ये था रेफरेंस के लिए। अगर आप ओनली सीट कवर लेना चाहते हो तो 5500 से स्टार्टिंग हो जाती है, अप टू 10,000 तक की। सोफा सीट और एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट वो सारे सेपरेट रहते हैं। उसके अलावा आप लोग इंटीरियर भी बनवाते हो तो इंटीरियर के साथ कुछ पैकेज आप लोगों का बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। और डिपेंडिंग कि कितना महंगा फैब्रिक आप लोग लगवा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली इंटीरियर के भी पैसे होते हैं। लेबर जो है सबकी सेम रहेगी, सारा जो मैटर होता है वो कितने पैसे आपके इंटीरियर पर लगने हैं वो। उसके अलावा इस तरफ आप जितने भी स्पीकर्स देख रहे हैं, अगर आप साउंड से रिलेटेड भी कुछ करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और उसके अलावा आप इस तरफ जितने भी स्टीरियोज देख रहे हैं, ये सारे आपके चार्जर, कैमरा, स्टीरियो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है और आप सेम काम करवाना चाहते हो तो आप आ सकते हो काउंटिंग कार्स पे, जो कि टैगोर गार्डन में है। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। सीट कवर के लिए एक दिन पहले अगर आप लोग बता दोगे तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कटिंग में, स्टिचिंग में, कस्टमाइजेशन में। उसके लिए आप एक दिन पहले बता दोगे तो हमको भी थोड़ा इजी रहेगा काम करने के लिए। वीडियो आपको पसंद आई है, मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इंस्टा पे फॉलो करना, टाइप करो aman_bag। और उसके अलावा आप इसमें से कुछ भी बाय करना चाहते हो तो भी इंस्टा से या व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो। और अगर आप लोगों को सेम तरीके का काम करवाना है तो आप लोग टैगोर गार्डन, जो लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आके ये सारा काम करवा सकते हो।